Good morning. Again, I am here with Hindi class. And what we will do? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, but उससे पहले, you all know festivals are coming, Dussehra is coming, Diwali is coming. तो सब लोग shopping की planning कर रहे हैं. दुर्गा पूजा आ रही है, रामलीला आ रही है. आप लोग जा सकते हैं, बेटर यू वॉच ऑन द टीवी. बहुत ज्यादा है, आपका बहुत दिक्कत है, मम्मी कंपेल कर रही है कि नहीं जाना ही है, तो यू कैन गो आउट बट विथ प्रिकॉशन. क्या प्रिकॉशन लेने हैं? ऑल ऑफ यू विल वेयर द मास्क. मास्क इज मस्ट. और यदि दो मास्क एक साथ पहनेंगे वो तो बहुत ही अच्छा है. वेयर द मास्क एंड वेयर द मास्क वेरी नाइसली प्रॉपरली. कैसे? दिस इज योर मास्क. यू हैव टू कवर योर मास्क. ये मैम बार बार आपको बताती है, ये इसलिए बताती है कि यू शुड फॉलो इट. वेयर द मास्क, कवर द नोज, डू नॉट वेयर द मास्क लाइक दिस. ऐसे भी नहीं रहना. नोज शुड बी कवर. सी माई होल फेस इज कवर. यदि मैं, मेरे को खांसी आती है, मेरी मास्क के अंदर रहेगी, स्नीजिंग होती है, मेरे मास्क के अंदर रहेगी. और यदि मैं नहीं पहनूंगी तो दूसरे के फेस के ऊपर हमारा सारा स्प्रेड हो जाएगा, एंड दैट इज डेंजरस. सो वेयर द मास्क प्रॉपरली. और जाएंगे बाहर तो व्हाट यू विल डू, कीप वन सैनिटाइजर विद यू. थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ में सैनिटाइजर डालेंगे. लेट्स सी, से सैनिटाइजर आपके पास जरूर होना चाहिए. एवरीवन शुड कीप वन सैनिटाइजर इन देयर पॉकेट एंड टेक ओनली टू ड्रॉप्स, नॉट मोर देन इट. और इसको अच्छे से रब करेंगे, इधर रब करेंगे, इधर रब करेंगे, ऐसे. इट विल बेटर इफ यू टेक द जेल वाला सैनिटाइजर. जेल सैनिटाइजर इज बेस्ट सैनिटाइजर. ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 2 पर्सन है उसके अंदर यू शुड मेंटेन द प्रॉपर डिस्टेंस. प्रॉपर डिस्टेंस जरूर होना चाहिए. सबके साथ सब चिपकते नहीं हैं आउटसाइडर्स के साथ. और वैसे तो यदि टीवी में देखेंगे इट विल बी बेटर. टीवी में बहुत अच्छे से रामलीला आती है, दुर्गा पूजा आती है. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. लेट्स डू द वर्क इन हिंदी टेक्स्ट बुक. सो किड्स, ऑलरेडी वी हैव डन दिस पेज. And this page number 22, ये भी हमने कर लिया. And this page already we have done. Now what you will do? You will write this complete word here. सरहद, सरहद, तो यहाँ सरहद लिखेंगे. सरहद मैंने आपको बताया था border होता है हमारे जो इंडिया की, इंडिया का border होता है दूसरी country के साथ लगता है, that is called सरहद. सरपट, सरपट, तेजी से घोड़ा सरपट दौड़ता है, तो यहाँ सरपट वर्ड लिखेंगे. इसी तरह से बरगद वर्ड लिखेंगे, मखमल वर्ड लिखेंगे, नटखट वर्ड लिखेंगे, कसरत वर्ड लिखेंगे. और इसी तरह से यहाँ आप जगमग जगमग जगमग, अकबर अकबर अकबर, सर्कस सर्कस सर्कस, टमटम टमटम टमटम, और कसरत 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 लिखेंगे. आज आप अपनी बुक के अंदर काम करेंगे. एंड व्हाट इज नेक्स्ट? आज हम पेज नंबर 24 की रीडिंग करेंगे. रीडिंग इज मस्ट. रीडिंग हमको डेली करनी ही है. 5 मिनट्स गिव टाइम टू रीडिंग. चलिए आज हम पूरे पूरे वर्ड्स पढ़ेंगे. ऑलरेडी हमने 2 और 3 अक्षर वाले पहले कर चुके हैं, तो इसलिए ये वर्ड हम पूरे पढ़ेंगे. रमन चल, पूर्विराम, रमन घर चल,
पूर्विराम, इस वाले को पूर्विराम कहते हैं। रमन बस पर घर चल पूर्विराम, मदन नल पर टब रख पूर्विराम। इतना ही फास्ट आप लोग भी पढ़ेंगे जैसे मैम पढ़ रही हैं। फल चख कर खत पढ़ पूर्विराम, अब मत डर, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। यदि हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमें नहीं डरना चाहिए। अमन अब उठ, अमन किसी लड़के का नाम है, और जल्दी से सो के उठ जाओ क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, लाइव क्लास का। इधरा, अपने पास बुलाने को इधरा बोलते हैं पूर्विराम। आलस मत कर पूर्विराम, आलस का मतलब हमारे को कोई भी काम करने ये नहीं बोलना चाहिए मम्मी ये अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, अभी मैं थक गया हूँ। बिकॉज यू आर किड्स, और किड्स तो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, सो हमको आलस नहीं करना चाहिए। उपवन चल पूर्विराम, मतलब बगीचे में चलो। अब यहाँ क लिखा है, यहाँ स र त लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क को काट देंगे और यहाँ पे हम इधर हम क लिख देंगे, तो ये हमारा पूरा वर्ड बन गया। यहाँ से हम क को क्रॉस कर देंगे पूरा और यहाँ पे हम क लिख देंगे, क स र त बन गया ना कसरत। कसरत अभी इसको पूरा यदि हम पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना आता तो वन और टू डेज यू कैन ब्रेक द वर्ड एंड रीड, अदरवाइज यू कैन रीड द फुल वर्ड। कसरत कर पूर्विराम। अक्षय, ये श्य 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 ये होता है, दिस इज श और ये है श्य, ये क्या है श और ये है श, श्य 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 य, य के बाद साउंड आ रही होती है पीछे से। अक्षय, अक्षय जो है किसी का नाम है। अक्षय सबक समझ, मतलब कि उसको लेसन समझ में नहीं आ रहा, जैसे कई बार आप लोगों को नहीं समझ में आता, अक्षय सबक समझ पूर्विराम। बहस मत कर, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, मम्मी यदि बोल रही हैं आप ये करो, आप नहीं मुझे तो ये नहीं करना, मुझे तो ये वाला काम करना, नो यू हैव टू ओबी योर मॉम। बहस मत कर। गरम गरम मटर चक, हमें गरम गरम खाना खाना चाहिए, और कब गरम गरम खाना खाते हैं, जब ज्यादा सर्दी होती है तो हमें गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, गरम गरम जल्दी जल्दी खाना खा लेना चाहिए। शहद इधर रख, शहद शहद आपको मालूम है मधुमक्खी बनाती है, हनी भी बनाती है, और खांसी के समय मम्मी देती है। शहद इधर रख पूर्विराम। 10 कदम चल, मतलब कि 10 स्टेप्स आपको चलने हैं तभी तो वॉकिंग होगी, वॉकिंग करना इज मस्ट पूर्विराम। जनपद पर चल, जनपद इज अ प्लेस, वहां तक अपना चलो। गर्दन पर मलहम मल पूर्विराम, मलहम मतलब ऑइंटमेंट, जैसे हमारे पेन हो जाती है और तो हम क्या करते हैं, वॉलनी लगाते हैं, कोई जेल लगाते हैं, चोट लग जाती है तो उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मलहम। गर्दन पर मलहम मल, मलहम मल पूर्विराम। 10 कदम चल, अगेन ये बोल रहा है 10 कदम चल, जरूर चलने पड़ेंगे नहीं तो घर में बैठे बैठे मोटू राम बन जाएंगे, सो हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है, थोड़े से कदम चलना दैट इज ऑल्सो एक्सरसाइज, कसरत करना बहुत जरूरी है। सो देखो ये बॉय भी कसरत कर रहा है। ओके यू विल रीड दिस, और इसके साथ साथ आपको ये वाला पेज भी, ये वाला वर्क करना है और इस पेज में ये करना है। यू विल नॉट डू एनीथिंग इन योर नोटबुक बट मस्ट रीड दिस पेज, 24 पेज 3 टाइम्स रीड करेंगे। ओके डू इट और सेंड दिस वर्क टू योर क्लास टीचर, जो ये वाला काम करेंगे पेजेस में 22 और 23 वाला वो मैम को भेजेंगे। ओके बाय।